हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल राम राम और आप सभी को हाइजीनिक प्रणाम। जी हाँ, आज हम हाइजीनिक प्रणाम कह रहे हैं क्योंकि हाइजीन का ख़ास ध्यान रखा जा रहा है और मैं भी रख रही हूँ। पर कुछ लोगों को गलत फहमी है कि मैं यहाँ गांव में हूँ इसलिए हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही, तो उन लोगों से मैं दो शब्द कहना चाहूँगी कि जो मैं यहाँ कर रही हूँ उसे एडजस्टमेंट कहते हैं, उसे अडेप्टेशन कहते हैं। मैं अडेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ और कोई चारा नहीं है। मैं यहाँ पर सैनिटाइज़र का फैक्ट्री नहीं खोल सकती। मेरे पास जो सुविधाएं अवेलेबल हैं मैं उसी में अपने हाइजीन का ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि जहाँ मैं कुकिंग कर रही हूँ वो हाइजीनिक नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि खुले आसमान के नीचे खाना बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग ईटा के चूल्हा पे जब खाना बनाते हैं तो पहले गोबर और मिट्टी से लिपाई करते हैं। गोबर में कई ऐसे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं जिसकी वजह से मिट्टी में गोबर को मिक्स करते हैं, और हर बार खाना बनाने के पहले सुबह और शाम यहाँ की पुताई होती है जिसको लीपना कहते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या हुआ है। तो मिट्टी के फर्श पे हम डिटॉल या लाइजॉल से पोछा नहीं लगा सकते। जिस चीज़ से लगा सकते हैं वो मैं लगा रही हूँ। और जहाँ तक मक्खियों का सवाल है, ऑफ कोर्स मैं अग्री करती हूँ कि वो हाइजीनिक नहीं है, लेकिन मक्खियों पर मेरा बस नहीं है। मैं उनको कैसे कंट्रोल करूँ? मैं चीज़ों को ढकने की कोशिश करती हूँ, मैं मक्खियों को उड़ाने की कोशिश करती हूँ, बट समहाउ कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली अवॉइड नहीं की जा सकती, लेकिन ख्याल रखा जा सकता है और मैं भरपूर ख्याल रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस कम हैं। जितनी हैं उसमें अब मेरे पास चप्पल एक है। ट्रू, किसी ने कहा है कि एक ही चप्पल किचन में भी, घर में भी, बाथरूम में भी। भाई उनसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या सिर्फ आपको यही पता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट स्लीपर्स यूज़ करने से ही हाइजीन का ख्याल रखा जा सकता है? क्या आपको ये नहीं सिखाया गया कि अगर एक चप्पल है या दो कपड़े हैं आपके पास तब भी आप हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं उसकी साफ सफाई करके? हाइजीन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास एक दर्जन चप्पल, 50 जोड़े कपड़े हों, बल्कि जितने भी हैं उसकी सफाई का ख्याल रखें। आपको लग रहा है कि यहाँ पे खाना हाइजीनिक नहीं बन रहा है, लेकिन आप देखना अपनी लाइफ में और अपने इर्द गिर्द कि मैक्सिमम लोग अपने अर्बन लाइफस्टाइल को फॉलो करते करते जब बोर होते हैं तो ऐसे ढाबा में या ऐसे रिजॉर्ट में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर गांव की फीलिंग रखता हुआ खाना हो, रहना हो। हम उसी ओर तो जाते हैं पैसे देकर, हम पे करते हैं उस देसी खाने के लिए। रोस्टेड पोटैटो, रोस्टेड बीन्स, यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देसी ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन आपको वो चीज़ खाना पसंद है, पर वो खाना बनता कैसे है ये देख करके आपको अनहाइजीनिक लगता है। क्या आपने देखा है कि आप जिस बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं उस रसोई में कितना हाइजीन का ख्याल रखा जाता है? मैं जानती हूँ मेरे पास बर्तन जैसे हैं वो बहुत देख कर अनहाइजीनिक आपको लगता है, पर वो अनहाइजीनिक नहीं है क्योंकि वो लगातार वॉश होता है। गांव में विम बार अब यूज़ होने लगा है, पहले राख से लोग बर्तन मांजते थे और कहते हैं कि राख जिस तरीके से सफाई करता है बर्तन का वो विम बार भी फेल। कई ऐसे डिटर्जेंट हैं, कई ऐसे बर्तन धोने के सोप्स हैं जिसमें ये दावा किया जाता है इसमें राख है। जैसे हम कहते हैं ना टूथपेस्ट में नमक है, अगर नमक तेल से गांव में ब्रश करते हैं तो आप अनहाइजीनिक समझेंगे, लेकिन टूथपेस्ट वही खरीदते हैं जिसमें नमक होता है। तो अनहाइजीनिक यहाँ है, हमारी आपकी सोच में है। और एक मिस, उनका नाम ही मैंने मिस यक रखा है क्योंकि उन्होंने इस लाइफ को और मेरे यहाँ कुकिंग पैटर्न को देख कर एक शब्द यूज़ किया है जो कि मुझे बड़ा ही यक लगा। शी सेइंग सो अनहाइजीनिक यक, किस चीज़ से घिना रही है बहन जी? आपको क्या नहीं पता कि गांव में जितने भी किसान हैं या गांव की जो भी लाइफ है
उसी लाइफ की वजह से आप अर्बन लाइफ बहुत इजीली एसी में बैठकर गुजार पा रहे हैं। आपको जो खाना वहाँ प्लेट में सर्व हो रहा है, वो पिज्ज़ा हो या पास्ता हो, वो सारी रॉ मटेरियल इसी मिट्टी से निकल कर आता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ इस मिट्टी से आता है तो हम इस मिट्टी को ही खाना शुरू कर दें या हम इसमें खेलें कूदें जो भी करना है करें, लेकिन कम से कम एक रिस्पेक्टफुल वर्ड तो यूज़ कर सकते हैं। आप उस मिट्टी के लिए आप यक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मैं आपके लिए कोई वर्ड ही यूज़ नहीं कर सकती सिवाय यक के कि आपकी सोच बहुत यक है। जिस मिट्टी से आपको घिन आ रहा है ना, उसी मिट्टी में सारे अनाज उगते हैं। और अगर ये यक वाली फीलिंग हमारे किसान भाइयों और बहनों में आ गया ना, तो अर्बन लाइफ नहीं जी पाओगे। वो इतने इजीली खाना जो पैक्ड फूड जो हम खोलते हैं उसको उगाने में मिट्टी में घुसना पड़ता है। अगर किसानों ने यक फीलिंग अंदर डेवलप कर लिया तो वो नहीं घुसेंगे उस पानी से भरे मिट्टी से सने हुए हाथों को। वो भी देखकर अगर यक फीलिंग करेंगे ना तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, हम खाना नहीं खा पाएंगे। एक बात आपको बता दूं, हम हाइजीन अनहाइजीन ये सारी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल रहे हैं, वो है इम्यूनिटी। हम जो अर्बन लाइफ स्टाइल जीते हैं ना, हमारी इम्यूनिटी किसानों की इम्यूनिटी से कहीं ज़्यादा ख़राब है। दे आर सो स्ट्रॉन्ग, को बॉटल डेड वाटर की ज़रूरत नहीं है, वो गांव में जो पानी आता है वो पीते हैं। मैंने भी यहाँ फेस किया है, मुझे सूट नहीं करता, मुझे लूज मोशन हो जाता है अगर मैं यहाँ का पानी बिना उबाले एक घूंट भी पी लूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ओ गॉड ये कैसे पी लेते हैं ये पानी। नहीं भैया, इन लोगों ने अपनी इम्यूनिटी अपने आप को वैसे ढाल लिया है। यहाँ जो बच्चे मिट्टी में धसड़ होके खेलते हैं उनकी इम्यूनिटी देखिए भाई साहब, हमारे बच्चे जितनी सहूलियत दी जाती है ना उतने में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे अपने लिए सहूलियत बनाते हैं, ढलते हैं। उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स देखने की चीज़ है। और मैं थैंकफुली एक किसान बैकग्राउंड से हूँ, मेरे बाबा दादी किसान थे, इसलिए मुझे ये अडेप्ट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ और ना ही मुझे ऐसे वाली फीलिंग आई कि ओ माई गॉड। हाँ, टफ लगा, ऑफकोर्स टफ लगा, क्योंकि मैंने जब गांव में जब मैं बचपन में जाती थी तो बाबा दादी के घर जाती थी, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता था। फिर मेरा इंट्रोडक्शन गांव के माहौल से हुआ, अगले जन्म मुझे बिटिया ही के जो, लेकिन तब मैं प्रोडक्शन हाउस पे डिपेंडेंट थी, हर चीज़ अवेलेबल था प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, इसलिए मुझे वहाँ भी गाँव की लाइफ को बहुत ज़्यादा जीने का या वहाँ की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने का टाइम या मौका नहीं मिला। पर यहाँ लकीली जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, मैं अब कह सकती हूँ कि किसान के घराने से बिलोंग करती हूँ। आप देखना चाहोगे, आप देखो ये उधर भी है मिट्टी का चूल्हा, वहाँ भी खाना ऐसे ही बनता है जैसे मैं यहाँ बनाती हूँ। और घर घर में एक मिट्टी का चूल्हा मिलेगा, क्योंकि सिलेंडर अगर ना हो तो यहाँ पे होटल से ऑर्डर करके पास्ता या पिज्ज़ा या ऐसे खाने नहीं आते। यहाँ पे अगर गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो सेकंड ऑप्शन रेडी होता है। गांव में जितना हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए मैं रख रही हूँ, और आप लोग की गलतफहमी दूर कर दूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अर्बन लाइफस्टाइल नहीं जानती, तो नहीं, मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ। आई नो ईच एंड एवरीथिंग, जो आपको पता है शायद उससे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हम अवेयरनेस के लिए बहुत काम करते हैं, हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ। आई डोंट नो मिसी आप कितना पढ़ती हैं, यू शुड रीड अलॉट एंड वर्ड का चयन सही करें। गांव की लाइफ के लिए अगर आप यक फील करती हैं तो आप एक बार गांव विज़िट करें और देखें लाइफ कैसी होती है, और एक हफ्ते रहकर आप ऐसे दिखा दें जैसे मैं रह रही हूँ, फिर मान जाऊँगी, फिर वो शब्द भी एक्सेप्ट कर लूँगी। इट्स नॉट ईजी एंड सिंपल मैम, बहुत टफ है। और मैं खुश हूँ कि मैं ये टफ लाइफ को फेस कर रही हूँ और मैं टफ बन रही हूँ। सो आज इतना ही ज्ञान। आई एम सो सॉरी जो बाकी के लोग चूल्हा देखते ही खाने को एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे कुछ खाना बनेगा, उनको मैंने काफ़ी वेट करवा दिया, लेकिन खाना अब भी बनेगा मेरे दोस्त। अब ये मक्खी को बताओ मैं क्या करूँ। अगर मिस यक के पास कोई उपाय है
मक्खियों को इस दुनिया से गायब करने का, तो प्लीज़ ज़रा बताएं, मैं उसको फॉलो करना चाहूँगी, बट रिसोर्सेज का ध्यान रखते हुए कि यहाँ क्या सुविधाएं हैं। थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं हम हमारी रसोई में, यानी कि रतन राजपूत की रसोई बस थोड़ी देर में तैयार होने वाली है, आप कहीं जाइएगा।